राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से सीएम पद का दावेदार कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ये सभी जानते हैं कि इस रेस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट में से ही एक का नाम सामने आएगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं ये मसला राजनीतिक गलियारों में और ख़ासतौर से कांग्रेस की अंदरूनी सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सस्पेंस पर सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को ही नहीं गैर सियासी लोगों की भी दिलचस्पी बनी हुई है। उधर कांग्रेस आलाकमान की ओर से गहलोत को एक के बाद एक केंद्रीय संगठन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही है। ऐसे में इन दिनों इन चर्चाओं को ज़्यादा ही हवा मिलने लगी है। वहीं खुद गहलोत भी ऐसे सवालों को लेकर कई बार खुलकर तो कई बार इशारों में अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। AICC में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद दिल्ली में व्यस्त हुए गहलोत ने एक बार फिर दोहराया, मैं थासू दूर कोनी। उन्होंने कहा, समझदार को इशारा काफ़ी है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। उन्होंने कहा, कुछ अपरिपक्व लोग हैं जो राजनीतिक ज्ञान नहीं रखते हैं, वे अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा करते हैं लेकिन उनका ही नुकसान हो जाता है। देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 4 साल में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं हुई। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान ने कहा है कि गहलोत को प्रदेश की जनता के बजाय कुर्सी से लगाव है। उन्होंने विधानसभा में सिर्फ 2 बार उपस्थिति दर्ज कराई। जनता की परवाह होती तो दूर बैठकर बयानबाजी करने के बजाय विधानसभा में जनता के मुद्दों पर बात करते। खान ने कांग्रेस के कार्यालय में बिगड़ी कानून व्यवस्था के आंकड़े रखे और कहा कि 10 साल राज चलाया, उसका जनता ने जवाब दे दिया। गहलोत को राजनीतिक तौर पर राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। खान ने गहलोत के साथ ही पायलट को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को राजनीति विरासत में मिली है, संघर्ष किए बिना ही वह मंत्री और सांसद बन गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य की भाजपा सरकार में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। पूर्व मंत्री परोसीलाल जाटव के घर को जलाने की घटना पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर की मौजूदगी में हुई। जाटव को संरक्षण देने के बजाय परिवार सहित भगा दिया गया। गहलोत ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, सरकार की ओर से अभी तक कोई नहीं मिला। गहलोत ने कहा कि बढ़ते अपराधों से प्रदेश की जनता त्रस्त है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पद पर रहने का अधिकार खो चुकी है, गृह मंत्री को विरोध झेलना पड़ रहा है, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को बहाल कर पदोन्नत किया जा रहा है, चहेतों को बचाने के लिए CBI को दी जाने वाली जांच लोकायुक्त को सौंपी जा रही है, अब तो मुख्यमंत्री को अंतरात्मा से अपने कामकाज का 4 साल का लेखा जोखा पूछना चाहिए। गहलोत ने कहा कि भारत बंद के दौरान जो सावधानी 10 अप्रैल को बरती गई वैसी 2 अप्रैल को भी बरती जाती तो प्रदेश में हिंसक घटनाएं नहीं होती। इसमें 11 लोगों की जाने चली गई, क्या सरकार को ST/ST के लोगों की जान प्यारी नहीं थी? गहलोत ने आरोप लगाया कि खुद को सामाजिक संगठन बताने वाले RSS सत्ता का आनंद लेने लगा है, मंत्रालयों में जासूस बिठा दिए गए हैं। और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।